कल हर्षा इंजीनियरिंग में आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं, ये जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कल स्टॉक मार्केट में बहुत ही भयंकर गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं बताऊंगा दो चीजें, एक तो मार्केट की प्रेडिक्शन, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है, और हर्षा इंजीनियरिंग कॉमन क्वेश्चन अप्लाई करना है नहीं करना है, कितने लॉट करना है, और कई सारी चीजें आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पूरा देखना, आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारा नया चैनल शेयर मार्केट न्यूज, 5000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे हो गए सिर्फ एक महीने के अंदर ही लगभग। यहाँ पे गाइस एक्सिस निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है 256 पॉइंट गिरता हुआ, नेस्डेक 468 पॉइंट 3.82% गिरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देख लो आप, डेक्स भी रेड है और एफटीएससी भी रेड है, मतलब ग्लोबल इंडाइसेस जो है जो इंपैक्ट डालेंगे वो रेड है। और यहाँ पे गाइस एक्सिस निफ्टी के बारे में शेयर किया गया था, तो आप कमेंट, आप जो ये इमोजीज के रिप्लाई है मेंबर्स के देख के समझ सकते हो कि इसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो एक तो वैसे ही हमारा मार्केट क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत ही नाजुक सी जगह पे, चाहे बात करें निफ्टी की चाहे बात करें बैंक निफ्टी की, मतलब मार्केट ही हमारा ऐसे नाजुक सी स्थिति में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी इसको ज्यादा गिरा सकती है। तो अगर जो आईपीओ को सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले तो मार्केट सही करेगा, मार्केट में अच्छा मूवमेंट रहेगा, खासकर तब जब अप्लाई करना होता है, मतलब एक दो तीन दिन, जैसे 14, 15, 16 तीन दिन खुलने वाला है ये आईपीओ, ठीक है, ये तीन दिन कि लोग अप्लाई करें। उसके बाद जब इसकी लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग के टाइम में मार्केट कैसा रहेगा ये प्रेडिक्शन इसी तीन दिन में निकाली जाती है। तो हम भी यही करेंगे और इसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट जो होता है वो बबल कभी भी फूट सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल डेटा नहीं होता है। अनऑफिशियल ग्रे मार्केट मैंने आपको पीछे एक दो वीडियो पहले, परसों की वीडियो मैंने रात को बताया था ग्रे मार्केट डिस्कस करने के साथ साथ। तो यहाँ पे पूरी वीडियो देखना अगर आप हर्षा इंजीनियरिंग में लगाने जा रहे हो। तो डिटेल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो डेट है वो 14 को ओपन होगा, यानी कल से ओपन होगा, 16 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट है इसका 21st को, ठीक है, मैं एक दिन प्रायः लेकर चलता हूँ, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रार है वो भी लिंक्ड टाइम है, दो बार से सिर्फ इसने सही टाइम पे दिया है, टीएमबी का और इसके पहले ड्रीम फॉक्स का, बाकी हर दिन ये हर आईपीओ में ये लेट ही देता था, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिस्टिंग है 26 को, तो लिस्टिंग अभी आज 13 तारीख है, कई सारे सेशंस अभी होने बाकी हैं, इसलिए गाइस यहाँ पे हमें बहुत ही सोच समझ के पैसा लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको एंड में फाइनल डिसीजन दूंगा। यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है, 330 रुपए का प्राइस वन रखा गया है, प्राइस बहुत जेन्युइन रखा गया है, 10 रुपए फेस वैल्यू पे 330 रुपए, मतलब कंपनी हिसाब से काम कर रही है, जो इसका बिजनेस है उसके हिसाब से बहुत ही जेन्युइन है, और लिस्टिंग के लिए यहाँ पे काफी स्पेस भी उन्होंने छोड़ रखा है। 755 करोड़ का आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ भी नहीं, 1500-2000 करोड़ का कि सब्सक्रिप्शन ना हो, यहाँ पे छोटा आईपीओ है, बहुत बड़ा साइज नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन अच्छा होने की उम्मीद है, और नहीं होगा, उम्मीद टूटा तो आपको पता है सीधे सीधे लिस्टिंग गेन पे असर पड़ेगा। और यहाँ पे 455 करोड़ फ्रेश इशू है, ये भी एक पॉजिटिव बात है, बाकी ओएफएस है 300 करोड़ का। एक लॉट के लिए आपको 14,850 रुपए पे करने होंगे, जिसमें आपको 45 शेयर मिलने वाले हैं, रजिस्ट्रार मैंने बताया दिया लिंक्ड टाइम, और यहाँ पे 35% कोटा हमारे लिए रखा गया है, यानी कि रिटेलर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत जरूरी किसी कंपनी में लगाने के लिए, मैं इसका डिटेल रिव्यू डाला था, आप डिटेल रिव्यू जाके देख लो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अप्लाई करना है नहीं करना है। अगर जो इस वीडियो में एक बार भी समझ में नहीं आया, इसका डिटेल रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ हर एक एंगल पे पीयर कंपैरिजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ, अभी करंट सिनेरियो सब कुछ डिस्कस किया है मैंने, क्योंकि जो आईपीओ से रिव्यू हम करते हैं वो बेस्ट होता है। आप जाके देख लो, 800-900 वीडियो मैंने चैनल पर डाली है, इनमें से अगर जो 500 मैंने आईपीओ का रिव्यू करूंगा ना, उन 500 में से 498 आईपीओ ने आपको अच्छा गेन दिया होगा, मतलब 95% प्लस एक्यूरेसी रिव्यू मिलेगी, जबकि मैं आपको लिस्टिंग के प्रेडिक्शन भी बताता हूं कि लिस्टिंग कहां हो सकती है, और लगभग 90-95% एक्यूरेट लिस्टिंग वहां पे होती है, और स्ट्रेटजी भी बेस्ट होती है मार्केट में, और इतनी हिम्मत कोई भी नहीं दिखाता, कोई बता दो जिससे लिस्टिंग प्रेडिक्ट करे कहां हो सकती है लिस्टिंग के पहले। लोग लिस्टिंग पे ज्ञान दे सकते हैं आपको कि ऐसे बुक कर लो ऐसे बुक करो, पर लिस्टिंग प्रेडिक्शन गाइस बहुत ही बड़ी बात है, और जो कि एसएमटी करती है, इसलिए बहुत ही छोटे से टाइम में लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, इतना प्यार दिया है कि मेन चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स, जो टेलीग्राम है 5,000, इंस्टाग्राम पे 5,000, हमारे न्यूज चैनल पे एक महीने के अंदर ही, और यहाँ पे आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दो। यूट्यूब पे ग्रोथ बहुत ही स्लो है, पता नहीं आपको जो चीजें चाहिए हम डिलीवर कर पा रहे या नहीं, कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये कमी हम उसको सुधारेंगे, हम आपके लिए बेस्ट बनना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस अगर जो आप बताओगे तो बिल्कुल उस चीज को हम बेटर करते जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल की बात कर लें तो फाइनेंशियल जो गाइस यहाँ पे 2019-20-21-22 का है, ठीक है। एसेट में अगर जो आप देखोगे तो एसेट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, 195 से देखो क्या जंप मिली है, 973 यहाँ पे थोड़ी जंप मिली क्योंकि ये कोविड का टाइम था, उसके बाद 981 से यहाँ पे 1158, उसके बाद देख लो आप यहाँ पे रिवेन्यू में आ जाए, 117 करोड़ से रिवेन्यू 899, फिर 899 से 876, वही कोविड वाला पीरियड, 876 से 1339, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया हमें जंप देखने को इसमें भी मिल रही है। अभी देखो माइनस में थी कंपनी, लॉस बना रही थी 27 करोड़ का, फिर प्रॉफिट में आ गया 21 करोड़ के, और फिर डबल किया प्रॉफिट,
इवन डबल से ज्यादा, यहाँ पे देखो 45 करोड़ हो गई। फिर इसने कंपनी ने अपना लगभग डबल कर दिया, और डबल से थोड़ा ज्यादा ही है, 45 से 91। तो यहाँ पे 1340 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी अपना प्रॉफिट एवरी ईयर डबल करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे 330 रुपए जो उसका प्राइस बैंड है ना, वो भी 10 रुपए से लूपे, बहुत ही जेन्युइन है। पीयर से कंपैरिजन करोगे तो भी गाइस आपको सस्ती देखने को मिलेगी इसके जितने भी पीयर्स हैं। रोलेक्स रिंग अभी जस्ट लिस्टिंग हुई थी, 2-4 महीने 5 महीने की बात है, एक बार क्रॉस चेक करना डेट का, ठीक है। करीब 900 रुपए का शेयर था, 39% का लिस्टिंग गेन किया था, और अभी जाकर देखो 2100 रुपए का शेयर है। देखिए रोलेक्स रिंग इसके सामने कहने का कंपनी अगर जिसको 100 दें तो रोलेक्स रिंग 50-55-60% की, बस इतना बढ़िया इसका बिजनेस है। तो यहाँ पे ये सब तो बढ़िया है, लेकिन गाइस जो लिस्टिंग गेन मिलता है ना, वो लिस्टिंग गेन आपको सिर्फ इस बात पे अकेले निर्भर नहीं करता। ग्रे मार्केट में डिमांड 220 रुपए पर शेयर की मिल रही है, तो लिस्टिंग यहाँ 550 हो जाएगी। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन बहुत बंपर मिल जाएगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी मैटर करता है, किसने पैसा लगाया वो भी मैटर करता है। अभी फिलहाल जब वीडियो रोड कर रहा हूँ तो मेरे को डेटा तो नहीं मिला एंकर इन्वेस्टर किसने किसने डाला है, मैं कल एक बार आपको एंकर इन्वेस्टर वाली लिस्ट भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसके साथ साथ मार्केट कैसा करेगा लिस्टिंग के टाइम में, सब्सक्रिप्शन किसने किन किन लोगों ने बढ़िया पैसा डाला ये मैंने आपको बता दिया, और इन 3 दिनों में जिस दिन अप्लाई करना होता है उस टाइम में मार्केट सिचुएशन पे प्रेडिक्शन लोग निकालते हैं कि जब ये लिस्ट होगा तब मार्केट क्या करेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर जो इस पे 250 की डिमांड निकलती रहे, जिस दिन लिस्टिंग होगी उसके एक दिन पहले से मार्केट गिरना शुरू हो जाए या 2 दिन पहले से, और जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन मार्केट गिर जाए, इसकी जो जीएमपी है ना वो खत्म होती दी जाए आपको लिस्टिंग के बाद से ही, यही 3 दिन में आपको देने को मिल जाएगा। और यहां पे बता दूं अगर जो वहां पे लिस्टिंग के टाइम पे मार्केट गिरा तो लिस्टिंग वाइप आउट होती हुई दिख सकती है, बाद में ये गेन कर लेगा, अच्छी कंपनी गेन कर लेगा, पर लिस्टिंग गेन के लिहाज से यहां पे रिस्की हो जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग गेन आप 220 रुपए पर शेयर सोच रहे हो जीएमपी देख के, तो आपको यहां हो सकता है 20 रुपए बचे, 50 रुपए बचे, 100 रुपए बचे, लॉस नहीं होगा ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर है। तो यहां पे मैं जैसे ही इसका एंकर इन्वेस्टर लिस्ट पता चलेगा मैं मेन चैनल पे शेयर कर दूंगा, 20.1 के सब्सक्राइबर्स है, और गाइस यहां पे देखो कितनी सारी कॉल मिलती है आपको, इंट्राडे कॉल देखने को मिली आपको, बंपर पैसा बनता हुआ दिखा है, मतलब 10,600 तक का प्रॉफिट आपने बनाया होता सिर्फ 100 शेयर में। ये कॉल थी दीपक नाइट्रेट की, शॉर्ट टर्म कॉल दी थी और एक ही दिन में आज ही परफॉर्म कर गई, और यहां 5% आप देखने को मिली थी। इसके साथ ही आपको देख लो यहां पे कैंपस की कॉल दी गई थी, गणेश हाउसिंग कॉल दी गई थी, और ओवरऑल अगर जो आप गेन देखोगे ना तो इंट्राडे में 200 से 10,800 का प्रॉफिट और एफएनओ में 1,000 से 7,200 का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पे बैंक निफ्टी कॉल दी गई थी, ठीक है, और साथ में यहां पे देख सकते हो रिलायंस की भी कॉल दी गई थी, स्टॉक एफएनओ की, तो आपको सारे सेगमेंट की कॉल देखने को मिल जाती है। अगर आपको सीपी निफ्टी बैंक निफ्टी लेना नहीं आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लो 22 मिनट की वीडियो है, लंबी वीडियो होने के बाद भी 4,000 व्यूज पे है, और कितने लोगों ने सीखा, मतलब एकदम नया बच्चा अगर जो मार्केट में थोड़ा सा भी जानता हो ना एबीसी तो एफएनओ लेना सीख सकता है, इतनी आसानी से मैंने उस वीडियो में समझाया है। आपको सैटरडे संडे में उसका अगला सीरीज भी देखने को मिल जाएगा, तो ये सामने लगा रखा है, इसको जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 या 2 पे मिल जाएगा। बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग 400 से 4,000 तक का प्रॉफिट लाइव सीखे, लाइव बताया उसमें, उसके बाद आओ फ्री में ये चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन नंबर 1 पे लिंक मिल जाएगा, नंबर 2 पे न्यूज चैनल का मिल जाएगा जो जिसे 5,000 सब्सक्राइबर है, ज्वाइन कर लो, या फिर आप शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से इसको फाइंड कर सकते हो, शेयर मार्केट न्यूज के नाम से, स्टॉक मार्केट न्यूज के नाम से दूसरा चैनल है, ज्वाइन कर लो, बेनिफिट रहो आप, नहीं स्टॉक एफएनओ आता है, नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी सीपी आती है तो आप इंट्राडे ट्रेड लो, पोजिशनल ट्रेड लो, शॉर्ट टर्म ट्रेड लो, और कई सारे शेयर्स की लिस्ट भी यहाँ पे आपके साथ शेयर की जाती है। तो गाइस फाइनली मैं आपको डिसीजन बता दूं कि यहाँ पे हर्षा इंजीनियर जो जीएमपी निकलती दिख रही है 215 से 230 रुपए निकलती दिख रही है, ठीक है, 215 से 230 रुपए तक की डिमांड हमें निकलती हुई दिख रही है। तो अगर जो देखें तो आप ओवरऑल मान लो 9500 से लेके 10,300 रुपए तक की डिमांड निकलती दिख रही है, यहां से यहां तक डीलिंग चल रही है। डीलिंग कैसे चलती है वो मैंने परसों एक जीएमपी वाली वीडियो डाली थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें बता रखा है ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे वर्क करता है, ठीक है, ग्रे मार्केट कैसे वर्क करता है जाके आप देखना समझ जाओगे। तो यहां पे अगर जो देखा जाए लिस्टिंग गेन तो गाइस ये आपको करीब करीब 69-70% तक का लिस्टिंग गेन देता हुआ दिख रहा था, 68-69% तक का, ठीक है, लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। एक्चुअल में जब मार्केट में इन्हीं लोगों को अप्लाई करना होगा तो ये अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, जो लोग डील कर रहे हैं ग्रे मार्केट में वो पता चलेगा डे 2 पे, डे 1 पे भी ये लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ये भी मार्केट को देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं। और आपको लास्ट डे 16 तारीख इसका लास्ट डेट है, मैं 16 को आपको फाइनल डिसीजन वीडियो हमेशा देता ही हूं कि फाइनली इस आईपीओ में लगाना है, आपको दूंगा मैं, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है पर डे 1 पे नहीं करना है, डे 2 पे करना है। डे 1 पे सब्सक्रिप्शन देख लो, मार्केट की प्रेडिक्शन देख लो मार्केट कैसा है, और एक बार मैं इसके बाद एक वीडियो भी डाल दूंगा कि कल का मार्केट कैसा रहा, कितना गिर सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या सीनरी और क्या रीजन है इसके, ये सब इसके बाद वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, कल की मार्केट के ऊपर। तो आप वो वीडियो जरूर देखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो यार, मतलब काफी मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी सपोर्ट प्लीज आना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। तो यहां पे गाइस डे 2 पे अप्लाई करना है, और आपको अप्लाई करना है तो एच एन
नई कैटेगरी में जाकर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे भी अलॉटमेंट उसी तरीके से मिलता है जैसे रिटेलर का क्रेडिट मिलता है। वो पहले के ज़माने में मिला करते थे, ठीक है, 2021 के टाइम में, मान लो मार्च 2022 के पहले, कि आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता था। अभी अगर जो आप एक लॉट लगा रहे हो, दो लॉट लगा रहे हो, या चेन्नई कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर लगा रहे हो, उसी हिसाब से मिलेगा। मतलब लॉटरी सिस्टम ही है। तो मैं 2 लाख रुपये में लगाने से बेहतर है कि अलग अलग आईडी से आईपीओ अप्लाई करूं, किसी आईडी से एक, किसी आईडी से दो, किसी आईडी से फिर से एक। अपनी फैमिली में आप अकाउंट्स ओपन करवा लो, अकाउंट नहीं है तो ओपन करवाना है तो आपका हमारी तरफ से बेहतर ऑफर भी मिलता है, जो हमारा पेड ग्रुप है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा, रात को मैं ऑफर ही डाल दूंगा कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अकाउंट ओपन करवा लो एंजल वन में, या फिर आप अपस्टॉक में, या फिर आप पेटीएम में करवा लो, सबसे सस्ता पेटीएम में, मतलब इससे सस्ता ब्रोकरेज कोई मार्केट में लेता ही नहीं है। तीनों में अकाउंट ओपन करवा लो, हमारी तरफ से आपको मिलेगा ऑफर, साथ में इन आईपीओज में अलग अलग डीमैट्स लगाओ, अपने नाम पे, मदर फादर के नाम पे, भाई के नाम पे, दोस्त के नाम पे, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने ज्यादा आईपीओस लॉट्स आप लगाओगे ना आईपीओस के अलग अलग आईडी से, उतने ही चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी में कौन सी आईडी आपकी आएगी, कौन सी आईडी नहीं आएगी, ये नहीं पता। वो 2 लाख से अचानक कैटेगरी में अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है। फुल फोर्स से इसमें लगाना है, पैसा अपने पास पूरा रखना है, लेकिन समझदारी से डे 2 पे लगाना है, या फिर भाई डे 3 पे। मैं लगाता हूं डे 3 पे, मुझे अलॉटमेंट मिलता है और सबको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं डे 1 वालों को अलॉटमेंट मिलेगा, कि भाई ये लॉटरी सिस्टम होता है। मतलब एक खूब बड़े से, मान लो पेपर पे सबका नाम लिख के डाल दें, कॉमन सी बात समझा रहा हूं, पेपर में नाम लिख के सबका किसी भी बकेट में डाल दें और उसमें से ऐसे उठा ले कि 5 लोग को चूज करना, ये हो गया लॉटरी सिस्टम। ऐसे वहां मिलता है। तो डे 3 पे किसने लगाया था, डे 1 पे किसने लगाया था, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो भाई डे 3 पे लगाता हूं। अगर जो आपको जल्दी है तो डे 2 पे लगाना, रुक के लगाना। मैं एक बार फिर से डिसीजन आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा डे 2 पे, और डे 3 पे मैं वीडियो डालता हूं या फिर टेलीग्राम पे बता देता हूं। टेलीग्राम आप शेयर मार्केट टॉक्स भी फाइंड कर सकते हो। और गाइस, आप ये वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कुछ पूछना तो मेरे से पूछना, आपको रिप्लाई में जरूर देता हूं, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मांगड़ कैसा करेगा कल के दिन, एक वीडियो में डालने वाला आपके लिए। करते वीडियो, थैंक यू वॉचिंग, प्लीज टेल दिस टेबल एंड बाय फॉर नाउ।